बैक टू आवर चैनल और हम फिर से आ चुके हैं पूरे 2 साल बाद। आज फिर से मेरा बर्थडे है, मतलब बर्थडे 2 साल क्या कह रही है। पिछले साल भी आया था पर हम लोग कहीं गए नहीं थे। आज जा रहे हैं इसलिए वीडियो बना रही, तो इसलिए इसने बोला 2 साल पहले जहाँ पे गए थे वैसी सिमिलर जगह पे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो इसे बढ़िया एक्सप्लेन करता हूँ आई गेस। नहीं तो ही गए। फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन जो नया खुला है स्वरूप नगर में अभी 2-3 महीने पहले ही शायद, तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ताली बाय द वे आज इसका बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है, तो कमाल की बात है। निकल यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं हमें पूछने अपनी डेस्टिनेशन में। अरे यार लाइट चली गई जैसे ही बोलने चलो मेरा। आई आई तो अभी हम जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। व्हाट डू मीन तू भूतनी लग रही है तू है। अगेन इन द क्लॉस्ट्रोफोबिक लिफ्ट। हेलो भूतनी, सॉरी वो मेरी आदत है मजाक करने। मजाक है ये, है मजाक है ये। बाहर जाए तो निकला। तो गाइस ये चाइनीज फूड कितना बढ़िया लग रहा है यार, है ना। एक्चुअली चाइनीज भेल है। हाय हाय चाइनीज भेल है। हाँ चाइनीज भेल। गाइस कैसा लगा था? भाई खा रहा हूँ मैं तो, खा ही जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चाइनीज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तूने खाई तो है नहीं? खाई। अच्छा खाई। यहाँ पे ये है चीजी फिंगर और यहाँ पर है पोटैटो वेजेस। फुल जैस इंजिंग। पर ये वाला है चाइनीज भेल, सॉरी आपका मोमो। ये वाला बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं खा गया अभी पूरा। दिस वन इज मोमो मिला है हमको। ये चीजी फ्राई है और वो पोटैटो वेजेस है उसके साथ। ये भी अभी दिखाया होगा, ये भी है पूरा पनीर है, ये कुछ और है मैं भूल गया, कबाब टाइप का। और वो अनियन है स्मोक होके आया था पूरा। इसमें तो चटनी रहती है हमेशा। और ये मेन्यू है कि क्या क्या मिलेगा आपको फिएस्टा में, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से ही। सो अभी मैं पोटैटो वेजेस खा चुका हूँ, ठीक लग रहे थे नॉर्मली थे। ये अपना चीजी फ्राई इसको ट्राई करूँगा और एक और चीज़ आई वेज फलाफल बोला या क्या है, कुछ ऐसे ही बोला है। सो गाइस अभी मैंने ये पनीर ट्राई किया और इट वॉज डैम डिलीशियस, बहुत अच्छे से टेस्ट आ रहा है इसमें, फ्लेवर्स बहुत हैं। और ये दही का कबाब है, दही का शोला या जो भी बोलते हैं, ये मशरूम का कुछ है और भी मोमोज है। अभी ये भी ट्राई करता हूँ तो बताता हूँ इसका कैसा लग रहा है। मोमो टेस्ट रिव्यू। मोमो तो खुद लग रही है वैसे। तो गाइस ये मशरूम का कुछ आइटम है, लग रहा था नॉन वेज, अभी तक खाया नहीं है मैंने लेकिन है मशरूम। और ये वेज कॉर्न आ गया फ्राई वाला जो भी रहता है अपना, ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। क्रिस्पी कॉर्न, यस ये भी खा रही क्रिस्पी कॉर्न। एक बार दोबारा से रीस्टार्ट। मम्मी इसको ऑडिशन दिलवा दो, सीरियल में जाएगी पक्का। तो देख टाटा अपनी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। सो भाई जी हिमांशी का गिफ्ट है। हिमांशी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये स्क्रिप्टेड है मैं पहले बता। अबे भाई तेरा गिफ्ट है ये, खुश नहीं होगी पक्का? हाँ हाँ तो ये मेरा ही मतलब। हाँ तेरा गिफ्ट है ये, ठीक है तो अब से ये मेरा। दिखा तो दे लोगों को, अब से तेरा, अभी तो मिला ही है। सैमसंग का रियल है गाइस, डमी नहीं है, रियल है। सब सेटअप कर दिया है मैंने। तो कैसा लग रहा है 10वीं क्लास में जाने पे फोन पाके ताकि आप बिगड़ जाए और पढ़ ना पाए? ऐसा ऐसा तो कह रही है। थैंक यू सो मच, मेरा और ये वीडियो प्रूफ है। अब वापस देना जरा। नहीं दे तो गिफ्ट तो है, गिफ्ट तो है, कुछ चलाना है उसमें, गिफ्ट में ला ऐसे भी होता। वीडियो है उसमें एक चलाना है ला, चलो अब नहीं दे रहा हो गया। तो ये प्रैंक था एक्चुअली, ये मुझे कॉलेज से मिला है तो ये, लेकिन इसको नहीं दूंगा 10वीं में, ये पढ़ाई कर नहीं पाएगी तो तेले कोई गिफ्ट नहीं है। हिमांशी हैप्पी बर्थडे। अब ये क्या है? चॉक
चॉकलेट मैं बोल रही थी कि कुछ अमेज़न मतलब कोई आया था उस टाइम अनिल आया था अनिल भैया यही लेके आए थे हाँ यही लेके आए थे वो लाएंगे क्या ये क्या है ये अरे पढ़ तो ले इसमें कुछ लिखा है पहली फाड़ फूट दे रही बर्थडे छोटी एंजॉय फ्रॉम आयुष ये पढ़ लिया था मैंने पर तुम्हें बताया नहीं अभी पढ़ा अच्छा अभी पढ़ा हाँ ओपन अब कल तुम्हारा बर्थडे क्या मुझे कुछ देना पड़ेगा बताओ यहाँ साइड से खुलेगा ये आई एम वेरी फाड़ चीर फाड़ कर दे अबे आर यू सीरियस आई एम सीरियस हो गया ज्यादा नहीं है थोड़ा हाँ शक्ल देखो इसकी सामने भी दिखाई हो अच्छी लग रही है ना ओपन इट बढ़िया है बहुत बड़ी है हैप्पी 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 हड़ा ना आइला सेम सेम पर उसका राउंड डायल है इसका भैया की वॉच खराब हो गई है भैया ये भी ले लेगा इसको कैसे पता लगा पहन तो यही था वीडियो बना के मैं रख लूंगा भाई ये सही है बहुत अच्छी है थैंक यू कितने थैंक यू पैसा क्यों पूछ रही है गिफ्ट है चुपचाप रख पैसा पूछ रही है नहीं इट्स अ गिफ्ट ऑन तो करो वाओ कितनी बड़ी स्क्रीन है गोल सी चौदह हजार है MRP ये थोड़ी अच्छी थोड़ी प्रीमियम है इतने की नहीं है इतने की नहीं है पर है प्रीमियम यार कैसी है रेट लगा रही है नहीं गिफ्ट ले खुश रहे हाँ देखो अब क्या करें प्लान तो यही है हाँ भाई मानसी ने मुझे घड़ी दिलाई थी दो साल पहले तो सुनाती थी कि दो दादी घड़ी दिलाई है अब बता और बड़ी दिला दी मैंने 15 की नहीं है वैसे बहुत कम की है पर हाँ रख दे यार तू गिफ्ट लगा रही है गिफ्ट का पैसा लगा रही है तुमने उसके अंदर और भी चीजें ना चार्जिंग चार्जर है ठीक है ये भी है तो पता है इसके स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं अलग अलग कलर के हाँ पता है लेकिन मार्केट में अभी तो यही ठीक है कल मेरा बर्थडे है आज हिमांशु का बर्थडे लेकिन हिमांशु का तो मैं सरप्राइज दे दिया बढ़िया से पापा ने दे दिया किस जगह पे ला के और मैंने दे दिया गिफ्ट और बताओ मुझे क्या मिलेगा कल ही है मेरा बर्थडे आज रात 12 बजे बल्कि रात को 12 बजे ना करा था ना करूंगा क्योंकि मुझे नींद पे आ रही है मैं सो गया था टाइम पे हिमांशु इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी है हाँ। तो जैसे फोन से कनेक्ट रहेगा ब्लूटूथ से तो तू कॉल कर सकती है और तू ऐसे उठा के कहेगी जैसे हेलो हाँ कौन हेलो मैम मैं इस कंपनी से बात फोन रख ऐसे कर सकती है सो स्टार्टर्स की लास्ट चीज़ हमने चाइनीज व्हील ली है मैंने पापा ने और बस उसके बाद स्टार्टर हटा देंगे फिर मेन कोर्स पे जाते हैं राइट वैसे यहाँ पानी देने का भी तरीका थोड़ा कैजुअल आई मीन का अच्छा है नॉट कैजुअल इस बोतल में आते हैं और रिफिल हो रही है बराबर से तो अच्छा है सर्विस अच्छी है सर्विस स्लो नहीं है बहुत फास्ट है हम कैचअप नहीं कर पा रहे थे सर्विस स्लो नहीं है बहुत अच्छा बाय द वे हमें फिएस्टा में स्वरूप नगर के वाले राइट कितनी प्यारी लग रही है बस तो खुश है अब सन्ने नहीं मिलेगा एटलीस्ट गिफ्ट दिला दिया तेरे को नहीं जरूर नहीं है तो गाइस दिस इज द पान फ्लेवर की आइसक्रीम जिसे खाएगी हमारी पान सिंह तोमर जस्ट किडिंग गाइस ये पान सिंह तोमर नहीं है ये हिमांशी ओमर है चल लेना चालू कर पनीर कोरमा एंड दिस इज चावल राइट पुलाव व्हाटएवर प्लेट काफी छोटी है आई नो सो गाइस दिस इज मंचूरियन एंड यहां पर है नूडल्स मुझे भी यही चाहिए मेरे लिए भी सर्व कर देना तो बढ़िया लग रहा है ना यार एक्चुअली रिच क्वालिटी है बाकी खा कर पता चलेगा अरे नूडल्स भी है यस हम लोगों का फेवरेट चाइनीज फूड है ना चाइनीज और इंडियन इंडो चाइनीज तो गाइस ये है क्या थी दाल मखनी राइट
स्पाइसी दाल मखनी, स्पाइसी दाल मखनी और वो है मलाई कोफ्ता। और भैया क्या खा रहे हो? पेट भर गया मुझे, नहीं खाया जा रहा, I'm sorry, मैं चैलेंज हारता हूँ, माफी। यस, आज इतना मछली नहीं खाया, उसके बाद मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जियान है। मैंने उतना भी नहीं खाया है। ये है डेजर्ट कॉर्नर। और भैया क्या क्या ले रहे हो? As you can see, red velvet. I'll also take it. It's a cherry, which is my favorite. भंडारा लग चुका है। भंडारे में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए मानसी के, सब सब ले लेगी भाई, खाना भी है ये। जो मुझे पसंद है वो ले लूंगी, बस मैं इतना ही लूंगी। गाइस ये वाली पेस्ट्री बहुत अच्छी है। और बैकग्राउंड में म्यूजिक है तो उसको इग्नोर करना प्लीज, हम लोग माइक भी नहीं लाए। तो फिर अच्छा हुआ मैं भी रेड वाला ले आया। यस, और ये भैया मेरे से ट्राई करेगा, ये भी भैया मेरे से ट्राई करेगा, हम करेंगे तब बता दो। जब बार्बेक्यू को एक्यू नेशन में खाए थे तब केक सारे जमे हुए थे, और डेजर्ट बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट और एकदम मीठे मीठे टेस्टी थे। लाइक जितनी चीज़ ली, रसमलाई टाइप का जो वो था, रबड़ी जो रसमलाई जो भी वो भी, और ये मिनी रसगुल्ला भी, पेस्ट्री भी, सब एक नंबर। एग्जैक्टली बहुत अच्छा था। अभी कह रही है कि अब मैं एक महीने तक कुछ ना खाऊं, इतना खा लिया है। अब नहीं बोल रही क्योंकि वीडियो बना रही है। हाँ बोलो, दोबारा बोल। मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ पलटू है, पलटू है ये, देखा भाई बात पे नहीं टिकती है। अरे हाँ, अब एक महीने तक कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। बोल तो चाहे तो कुछ ले, सच्चाई तो हमें ही पता है। यार आज बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू, थैंक यू मम्मी पापा, सबको थैंक यू। अब ये दोबारा कुछ मांग ना ले मुझसे, नहीं मांगूंगी, आज तो खा खा के मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दो दिन बाद इसने कुछ ना मांग दिया ना, बाहर का नाम बदल देना मेरा। कह बेचक रही है पर मांगेगी, मुझे पता है इसलिए। माउथ फ्रेशनर दे रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं फाइनली। वहाँ पे मेरी आवाज इतनी तेज नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्यों। अरे गाने चल रहे थे और कोशिश तो करी, तेज बोला बहुत, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, फिर भी अगर ऑडियो ना आए तो वेरी सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे मंची जरूर लिख देना। हैप्पी बर्थडे काओ, ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चल वीडियो तो हो गई, अब घड़ी वापस दे, मैं अपने लिए मंगाई थी, मेरी खराब हो गई थी। दे उतनी बड़ी स्टील मंगाऊंगा, सकल देखिए, चल हट।